हेलो हेलो रजनीश, कौन बोल रहा है? देखो तो अभी बिल्कुल बताया, क्या परेशानी क्या हुई है? मेरे कौन बोल रहा है भैया, की परेशानी? फाइल्स हो गया, क्या हो गया? हाँ बोल, कौन रहा है सर? कई एक दोस्त बोल रहा हूँ, ये आपको जानते हैं, जिन्होंने मेरे को अभी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया, सर बात चल रही थी कोई बीमारी को लेकर, मेरे को बताया कि रजनीश को पाइल्स हो गया। मैं को चलो फोन करके पूछ लेता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको इलाज इलाज करा लो, कोई टेंशन नहीं है। खा लेंगे आपको, आपको क्या परेशानी हो रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ परेशान मत होना, तकलीफ तकलीफ होती होगी लेकिन इलाज हो जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, करा लेंगे करा लेंगे। ख्याल रखना है आप अपना। हेलो रजनी जी, क्या हो गया? सब ठीक ठाक है? कौन बोल रहा है? विपुल बोल रहा हूँ, मेरे को अभी पता चला पाइल्स हो गया। कोई बात नहीं, हो गया, उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मार्केट में बताया भाई, वो आपस में बात कर रहे थे तो मेरे को बताया, ऐसी बात चल रही थी, गर्मी गर्मी बहुत है, उन्होंने बताया भाई पाइल्स हो गया रजनीश को। मैंने कहा फोन करके पता करता हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, हो गया था वो, कोई बात नहीं है, उसका इलाज हो जाएगा। हाँ बट टेंशन मत लेना आप बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं, इलाज। हेलो हाय, इज इट रजनीश? यस रजनीश, हाय कोमल। कौन कोमल? वो छोड़िए कोमल के बारे में, आप मुझे ये बताइए क्या पाइल्स हो गया? पाइल्स हो गया कौन सी आप बता गए यार, खुजली मुझे हो रही, तुम्हें क्या दिक्कत है? पाइल्स हो गया तो बता गए, पाइल्स हो गया। अब से सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप टेंशन मत देना और आप मुझ पे चढ़ के आने। आपको क्या टेंशन हो रही है? नहीं तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप या तो आज डॉक्टर बने, फिर बार बार फोन आ रहे हैं, जो भी आ रहा है राय देता आप ही, नहीं नहीं राय देता। ओके हेलो रजनीश, पाइल्स हो गया इसका, ये परेशान मत होना। कौन बोल रहा है? बताया कि इस तरह परेशान है, मैंने कहा फोन करके पता कर लेता हूँ। परेशान कर रहा है, बात कर रहा है मुझसे, क्या दिक्कत आ गई? पाइल्स मुझे हुआ है। मैं आपसे आपकी खैरियत ले रहा हूँ, अगर आपको वो भी मंजूर नहीं है तो मना कर दीजिए। आपको बताया किसने पाइल्स हो गया? नहीं आदमी डॉक्टर बनता आ रहा है यार, नहीं ऐसी कोई तबियत खराब नहीं है। ठीक है ठीक, फोन रखो और अपने अपने बचाओ, बात बचा रहे बचा। हेलो, ऐसा है कि ये मुझे भी हुआ था और परेशान बिल्कुल मत होना, ये पागल हो गया क्या तू? बीमारी में चिल्लाना तो कभी नहीं होता था। पाइल्स हो गया अपने, मैं मुझे कोई, मैं करा लूंगा इसका इलाज। और मुझे हुआ तुम्हें कहीं की परेशानी आ रही है? हेलो सर, क्या बोल रहे हैं? मुझे पाइल्स, तुम्हें कहीं की परेशानी आ रही है? सर फोन मोबाइल कनेक्शन की बात करना चाह रहा था, आपका बिल जनरेट हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? और सर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी सर? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। आप बताइए भाई कितना बिल हो गया? ये बिल देख के मेरे को सर एक बात बताएंगे जी, क्या तबीयत खराब चल रही है क्या? नहीं नहीं क्या हुआ? नहीं वो आप कह रहे थे ना मुझे हुआ है, ये क्या होगा? पाइल्स की बात कर रहे थे ना आप, बोल को ना तू, ये तो पाइल्स नहीं हुआ ना? नहीं नहीं मुझे नहीं हुआ, ऐसे ये ठीक हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ बिल भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। हेलो, आप ये दो चीजें बता रहे थे, एक तो ये बिल्कुल परेशान मत होना, मेरी बात रजनीश, मैं रेडियो मिर्ची नवेद बोल रहा हूँ यार, मेरी बात एक बार पाइल फोन करता आ रहा है, पाइल्स हो गया, डॉक्टर बनता आ रहा है, जो भी आ रहा है पाइल्स हो गया, पाइल्स हो गया। रजनीश एक बीमारी मुझे भी है, मजाक कर रहे थे, रजनीश एक बीमारी मुझे भी है, बीमारी का नाम नवेद एरिया है। रजनीश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि तुम थोड़े से परेशान हो, परेशान बिल्कुल मत होना, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। वाकई में मुझे परेशानी है, 15 दिन पहले हुई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया 3-4 को, इसका इलाज के लिए उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। सर इसका फर्क पड़ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, अभी स्टूडियो से बाहर जाता हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर का पता लिखे मैं आप। हेलो हेलो सुशांत जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर, आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ, शादी में अभी 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 आए थे सर शादी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर्सनली, मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम। तो सर आप बताइए कैसा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं अभी सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। बताइए सर बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर मैंने देखा था। हाँ सर। मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया तो हाँ जी, उसने, हाँ जी उसने लिफाफा, आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर काफी, मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको, काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी, मतलब आप जब आए ना आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने थोड़क से जेब में अंदर ऐसे दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी, मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे आप तो बस। मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया, तो लेकर आए थे ना वापस लेके ना, आपने आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा,
माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ आप। जब मैं दे रहा था आपको मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो, तो मना कर दिया उसने, मना कर दिया तभी जोर जबरदस्ती करी जाती है ना। एक बार ये कह के देखते कि नहीं नहीं भाई हम तो देखे जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन मना ली तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊँ, मतलब आपको तो आपके शादी का माहौल था। अच्छा आप पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे लोग तो सारे देखे गए शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं देके ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूँगा देने की, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की सर। तो मैं सर वापस बात नहीं तो आप हेलो आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आपने देखा है तो देके जाए, समझ गए। अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए। एक बात बताइए आप कह रहे हैं अच्छा देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने को सुन ले भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था ठीक है। आ गए ना अपनी औकात पे, ये है ये शादियों में काम ही तुम्हारे ही है, और कुछ पता नहीं लिफाफे में पैसे भी थे पर लिफाफा नहीं होता है। अरे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं, हेलो पैसे देने ही नहीं थे तो गंदे आदमी वो लिफाफे। तू किसको बोल रहा है गंदा आदमी, तू गंदा आदमी, तू पे मत लिफाफे, लिफाफे के काम करते हो तुम, लिफाफे दे देंगे तेरे को गधों वाली बात है। एक रुपए का सगुन नहीं बनता तेरे को वैसे भी बेवकूफ। अबे तूने क्या नाम बताया था, नाम बता दोबारा, नाम लिख लो उस लिफाफे पे लिख। हां नवेद बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, समझ गया। अब वो लिखो, नहीं मेरी बात सुनो सुनो ये छोड़ो लिफाफा लेकर वापस। सर वो तो मतलब सर मैंने तो हेलो हेलो नितिन जी नमस्ते सर, केड से बोल रहा हूँ। वो जो वीविंग कराई थी ना, बाल लगवाए थे आपने, विग लगवा के गए थे। हाँ ऑल वेल सर, ठीक चल रहा है सर? ठीक है ठीक है सर। अभी कहाँ पे हो आप? मैं अभी ऑफिस में हूँ सर। ये थोड़ी सी हमारी भी पूरी गलती नहीं है, मतलब छोटू नया था सर, वो जो आपसे चार्ज किया था ना हमने, आपने आप हेलो हेलो हाँ आपके सिग्नल जा रहे थे। हाँ सर आगे आगे, तो सर ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो कारीगर है ये भी थोड़े नए थे, तो आपने आपने कार्ड से पे किया था ना? हाँ जी 12,500 सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर वो 12,500 तो चार्ज किया ना, उसके हिसाब से बाल ज्यादा लगा दिए उसने। तो अभी कहाँ पे हो आप? मैं तो ऑफिस हूँ। आप थोड़े आ जाएंगे, उसमें से कुछ बाल निकालने पड़ेंगे मेरे को। क्या वो बाल निकालने पड़ेंगे ना, वो बाल ज्यादा लग गए हैं, मतलब जितने बाल लगाए हैं उसका अलग चार्ज है सर। क्या कह रहे तू? बाल निकालने पड़ेंगे सर। अरे ऐसे कैसे निकाल लोगे? क्योंकि ज्यादा लगा दिए ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपकी गलती है, मैंने शुरू में कहा, एक बार भी कहा है मैंने, ये कारीगर नया है उसको मालूम नहीं थे, तो गिनती के बाल आते हैं सर, उसमें ज्यादा लगे हैं। लगा दी तो फिर थोड़ी ना निकालोगे सर? निकालने तो पड़ेंगे ना, नुकसान हो जाएगा सर, हमारी भी कंपनी थोड़ी है, हमें फिर कल को जवाब देना। आप आ जाओ सर, मैं निकाल लूंगा इसमें से। अरे तो तुम्हारा मजाक चल रहा है क्या, ऐसे निकाल लोगे? सर मजाक मैं कर रहा हूँ, मजाक मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? नहीं तो यही तो लग रहा है। नहीं तो आप लगा दोगे तुम पहले, तो आप निकाल लोगे? तो ज्यादा लगवा रहे, जब ज्यादा लग रहे थे आपको अंदाजा नहीं हो रहा था इतने भर कैसे रहे हैं? जब नहीं बोल सकते थे 12,500 में इतने भर गए? तो मैं थोड़ी ना गिन के वहाँ पे बैठा था, तो मैं तो गिन ना, तुम गिन रहे थे आप। हाँ तो मैंने गिन के, जब तो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा लग गए, आप वापस आइए इसको निकलवा लीजिए। बताना चाहिए था ना, आप थोड़ी ना आऊंगा मैं यहाँ पे, काम कर रहा हूँ यहाँ कर, तुम ऐसे मेरे पास मजे। सर ग्राहक और भी, आप जल्दी आओ वापस, आप बहस मत करो इसमें, ऐसे बाल निकलवाओ जाओ। पागल है क्या? मैं देखिए तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, आपको बाल निकलवाने पड़ेंगे, जब मैंने ज्यादा लगा दिए। तू तो क्या निकालेगा साले, घुस के मारूंगा सर। आप वापस आओ, ये बाल निकलवाओ। मैं आई नहीं रहा, मैं आई नहीं रहा। तो फिर आप वहीं रहो, मैं छोटू को भेज रहा हूँ कैंची के साथ, आपके निकाल देगा ऑफिस में। सुनिए तो पिन्नी में भेज देना, पिन्नी थैली में करके भेज देना। थैली में पागल हो गया, 1,350 बाल है थैली में करके भेजो ना यार, नुकसान हो गया यहाँ पे। तेरे को थैली में काट के फेंक दूंगा साले। सर बाल निकलवाओ, मेरे भी मालिक है, मेरे पे डंडा पड़ेगा, आप आ जाओ ठीक है। तेरे को डंडा पड़े मैं क्या करूँ तू? आपको अजीब लग रहा है क्या? मैं काम करूंगा, मांग के नीचे नीचे निकालूंगा या पीछे गुद्दी की तरफ से निकालूंगा ना। तो अजीब नहीं लगेगा क्या? तू अजीब बात कर रहा है, तो अजीब नहीं लगेगा? कमाल कर रहा है तू यार। सर आप बाल निकलवाओ, ज्यादा लग गए हैं, समझ गए आप? मेरे लगा रहा था बाल, तेरे को तब भी निकल रहा था सर। एक तो पहली बात, मैंने सर पे लगाए थे बाल, वाहन मत पहुंचो आप। उसके मारूंगा कैसे घुसोगे आप? ये आपने बोल तो दिया ये पॉसिबल है, ये लोग बकवास कर देते हैं, ये पॉसिबल है, घुस सकते हो आप? ये बाल निकलवाओ यार जल्दी, बदतमीजी मत करो आप। ठीक है दिमाग मत खराब कर, पकड़े मारूंगा। गुड मॉर्निंग सर, नहीं क्लाइंट क्लाइंट है सर, क्लाइंट। हाँ जी हेलो हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप? हाँ हाँ बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? हाँ सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये मैडम आई हुई है, कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी कैसे हो?
हाँ जी बताइए कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है, आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जुलाई है, आप जुलाई हो, थोड़ा महंगा पड़ गया, सेम प्रिंट है। चुप कर लुके पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही मैं। गधे के बच्चे तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे डेरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं बहन जी मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा, अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम मैं इनको यही बता रहा था आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तुमको बता रही हूँ अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना फिर देखो तेरे दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा ये बहन जी एक बात बताओ सचिन जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जो ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद भी देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बड़ी फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम मैं इनसे यही बोल रहा था मैंने। अब मेरी सुन, अब तू चुप मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना तो फिर देख लो तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहां जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दूँ, तू देखियो इससे पंगा लेना चाह रहा तू है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। काम कर तू भी मार्केट की चिल्ली ले और चला दे उसको। हेलो तरुण जी मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने ऑनलाइन जो तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये, आर यू नॉट हियरिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम कुरियर कंपनी सर। अरे तरुण जी नहीं है यार, तरुण जी नहीं है, रॉन्ग नंबर सर, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं लोग सर। कोई तरुण जी है, इन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था अपना ऑर्डर और मैं डिलीवर करने आया हुआ हूँ, नंबर आपका पता नहीं गलती से दे रखा है, क्या चक्कर है? ओके गलती होती होगी, नंबर होगा कुछ गलत, देख लो 4 का 9 ना हो रहा हो, 7 का 1 ना हो रहा हो। तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था गोल्ड और उसके पैसे भी एडवांस उन्होंने दे रखे, ये भी नहीं कैश ऑन डिलीवरी है, हमें सिर्फ वो पहुँचानी है, ये पैकेट उनको देना था। ये कहाँ ढूंढे गोल्ड? यस सर। चलिए सर मैं ढूंढ, ये मैं बोलता हूँ कंपनी को, आपको भी परेशान किया हमने। हेलो हेलो ये हेलो यस सर। अरे भाई क्या तुम यार, तरुण जी सामने हैं आगे, अभी आप आ गए हैं बस, मैं वरुण वरुण सुन रहा हूँ। तरुण कह रहे हो? तरुण जी तरुण ने आगे सामने से दरवाजा खोल लिया, तरुण जी ने आगे दे जाओ आप, आपके घर आए हैं? उन्हीं का घर है यार ये। ओके हम काम करते हैं उनके वहाँ पे, हम ही डाक उठाते हैं सारी, उनकी हम ही लेते हैं सब। नहीं सर ऐसे दे नहीं सकते ना जब तक उनकी तरफ से बात ना हो जाए। रुक जाओ तुम, बात करानी है तुम्हारी उनसे? हाँ जी। अब थकेदे होते हैं वो, मैं भी बुलाता हूँ उनको एक बार। जाओ तरुण जी से बात करने जा रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तरुण दिस साइड, आपका ये पैकेट जो आया हुआ है ये डिलीवर करना था। सही जगह खड़े हो आप, लड़का आएगा उसको दे दीजिएगा, मैं अंदर जूता उतार रहा हूँ, मेरे को पूजा करिए। सर 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाते, सूर्य से हम पूजा करते हैं, अभी हम पूजा करेंगे, हम आपसे बाद में चेहरा दिखा देंगे। मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए ना। अरे हम कल नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो सर, लेकिन मैं आपसे एक बार मिल लेता ना। तुम सुनो सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ ना लड़का, जय भगवान जय ओम लड़कों को भेज रहा हूँ, तुम देख रहे हो हम पूजा नहीं रोक सकते अपनी, लड़का भेज रहा हूँ मैं सर, मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर नंबर आप बताए तो, ऑर्डर नंबर क्या था?
लड़का भेज रहा हूँ मैं, उसको दे दो। अच्छा मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं तो आप वही बता दो सिर्फ आपका। लड़का पहुँचेगा अभी भाई साहब आपके पास, जल्दी कर दो उसको, आप जल्दी दे दो। मेरी बात तो सुनिए, इसमें मैं ब्राउन जैकेट पहनी है उसको दे देना। मैं ये कह रहा हूँ आप कुछ भी मत दो, मेरे को ये बता दो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या थी। लड़का आ रहा है भाई साहब नीचे। सर ये पूजा कब तक चलेगी, वैसे मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं है, एक बार अब ऊपर वाले से जुड़ गए आप तो फिर चलती रहती है ये पूजा, बस रुकती थोड़ी, कोई टाइम होता है पूजा का। ना लड़के को दे देना, ना फोन काटो यार, ना ठीक है सर। हेलो हेलो, हाँ जी, ये दे दिया लड़के को आपने? नहीं सर अभी नहीं दे सकता मैं। अरे दो यार, क्यों नहीं दे सकते उसको? सर अभी पूजा कर रहा हूँ मैं। हेलो नेहा, क्या? आई लव यू। व्हाट? कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको फोन करना बड़ा जरूरी था, हमारी कंपनी है आई लव यू अभी सेटअप हुआ है। नेहा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके कोई अंकल रहते हैं साउथ अफ्रीका में। जी रहते हैं। उन्होंने आपके नाम पे ट्रांसफर किए हैं $500। मैं समझी नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आई लव यू से बोल रहा हूँ मैं, कंपनी का नाम आई लव यू है, हम यहीं से बात कर रहे हैं, अभी सेटअप हुआ है हमारा इंडिया में। राइट आपके चाचा ने $500 जो भेजे हैं तो वो मैं आपके उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। वन सेकेंड। नेहा आपका नाम राइट? यस। या मुझे थोड़ा सा बताइए अंकल को कैसे जानती है, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपकी। माय अंकल इज माय फादर्स फर्स्ट कजन एंड ही इज स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका एंड ही टेक्स मी एज हिज डॉटर बिकॉज़ ही इज नॉट गॉट एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, सो ही टेक्स मी एज हिज डॉटर, सो दिस इज हाउ आई नो हिम। आई लव यू का ये क्राइटेरिया है कि जब तक पूरी बात ना सुन ले जब तक हम पैसे ट्रांसफर नहीं करते। राइट, अच्छा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी 2 मिनट लगेंगे ये करने में, आप इसी नंबर पे कॉल बैक कर लेना सो दैट हम आपके ये $500 ट्रांसफर कर सकें आपके अकाउंट में। राइट, आप इसी नंबर पे कॉल बैक करना। हाँ, आर कंपनी नेम इज आई लव यू एंड वी एक्चुअली लव यू, वी लव आवर कस्टमर्स। राइट, हेलो बोल रहे आई लव यू जी, बात कर रहा हूँ मैं, आई लव यू आपने कॉल मिलाया जी। एक्चुअली मेरे को पता करना था, मेरे को अभी फोन आया था इस आपके बैंक से आई लव यू जो भी है, और मेरे अंकल ने कुछ पैसे भेजे थे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। $500 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। राइट। वन सेकंड आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो हेलो, आई लव यू, मैं स्वागत है आपका। मेरे अंकल ने कुछ पैसे भेजे थे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं। ओह $500 आई थिंक। हाँ या वन सेकेंड ट्रांसफरिंग योर कॉल। हेलो हेलो, आई लव यू के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बोलिए। मेरी को एक्चुअली अंकल ने मेरे पैसे भेजे हैं तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं, उसी से रिलेटेड। ओह दैट्स राइट, आई एम ट्रांसफरिंग कॉल वंस अगेन। हेलो हेलो, यस इज इट आई लव यू बैंक? नो, दिस इज रेडियो मिर्ची। व्हाट? एंड आई लव यू। इज इट नेहा, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो यार, नेहा मुझे किसी ने बताया था कि आप इंतजार कर रही थी $500 का, ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि मैं किसी से बात कर लूँ और किसी को बोल दूँ आई लव यू। रेडियो मिर्ची पे हैं आप, मैंने मुर्गा बनाया आपका और मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके, ये सारी आवाजें मेरी थी। एक्चुअली नवेद, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू। हाँ बोलिए। लिसन टू इट केयरफुली, इट्स बीन लॉन्ग दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल इट टू यू। जी बोलिए बोलिए। फॉर अ चांस दैट आई वुड रियली रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट actually I love you. I love you too.
हेलो मैडम, बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कम्प्लेन किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको। प्लीज वेव आउट करवा दीजिए, आई एम रेडी टू जस्ट विदड्रॉ। आई एम सो सॉरी अगर आपको परेशानी हुई है, मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप अपने मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर 21938। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे? जानू डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था, मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 20-25,000, नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा। मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को, आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी। आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे, यू डोंट वरी मैडम। ओके। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जाने मन बात कर रहा हूँ, आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जाने मन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कन्फ्यूजन है, आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती हूँ तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा हमारा बैंक, कभी जानमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलवर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीट हार्ट को ट्रांसफर कर दूं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। हेलो, मैंने हेलो, कैन यू प्लीज टेल मी, कौन बोल रहे हैं? कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज। कम ऑन लेट्स चैट ना। हेलो हेलो, बड़ी चला को ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है। ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स, दोस्त बन सकते हैं? ओके, ये तो बता दो कहाँ है भैया। ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया, वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ओके चलो, अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो। हेलो, कैन यू हियर मी? या भाई लड़का हूँ, सो जा। चल भाई, गुड नाइट। हेलो, या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए सर। आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड के परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 60,000 60,000। तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था आप, क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है, वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कंफर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना सर। मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिया है, तो वो कह रहे थे तू क्यों बोल रहा है इतना, तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कंफर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कंफर्मेशन, मैं तू क्यों उतावला हो रहा इतना, मैंने मना करा ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या?
नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप... नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे तुमको स्वैप करने का लगा, एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं, आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे, मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कंफर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ वर। और क्या हाल चाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। अबे तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रही है। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम, आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके कॉल। तो कर लेने उनको शॉपिंग, मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है, बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो। बात करना है। वो उसको छोड़ो, बात करना है अभी, टाइम निकालो। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है और बोल किस रहे हैं आप? ये बात करना है आपसे, अभी सबसे बात किया तो। हेलो हेलो, लिसन, आर यू मैड और व्हाट? खबरदार या फोन किया दोबारा तो। अभी बात करना, फाइनल करना है जो है अभी, मैं हमको आपसे बात। लिसन लिसन लिसन, यू दो मिनट में ना पुलिस घर पे आके डंडे मार मार के लाल कर देगी। क्या क्या वो किए हैं हम? चल चल बकवास बंद कर कुत्ते के बच्चे, पहले ये बता बोल कौन रहा है तू? नाम बता रहा है, नहीं बता रहा अपना तू? पुष्पा के पति बोल रहे हैं आपके यहाँ जो मेड है, कल से नहीं आएगी वो, उसकी जगह हम फोन कर रहे हैं, बात हो गई है उससे। भैया कैसे हैं आप? कल से नहीं आएगी, हमारी बात हो गई है पुष्पा से। भैया एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। भैया नहीं, भैया एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हम फोन जब किए आप, सॉरी भैया एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। जब हम कह रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं। भैया एक मिनट, नहीं आएगी कल से। भैया एक मिनट बात तो सुनिए भैया, बोल रहे हैं हमको चिल्ला के बोल रहे हैं भैया। आप हमको बोले पुलिस के हवाले कर देंगे, ये अब नहीं आएगी, खुद करो अपने काम, बोल रहे हैं। भैया दिल पे क्यों ले रहे हो आप ये सब बातें? अभी गुस्सा आ गया, हम पुष्पा से कह रहे थे हम बात करके देखते हैं, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, अब हमारा भी मन नहीं है उसको। भैया प्लीज माफ कर दो ना, छोटी सी बात थी। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम। आप उससे पूछना पुष्पा से, मैंने कभी डांटा उससे आज तक? नहीं, कभी वो कुछ नहीं कहा। वो कहीं और, हमारे एक मालिक हैं, उनके घर जाएगी कल से, वहाँ से काम करेगी। भैया देखिए मेरी बात को समझिए, मैं पहले ही आप बहुत परेशान हूँ, सुबह से सारे काम कर करके, कल भी अगर वो नहीं, कल भी अगर वो नहीं आएगी तो मैं कैसे काम करूँगी? आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा? अच्छा आपको बुरा लगा, आप मुझे डांट लो, आप मुझे डांटो, मेरी गलती है, आप मुझे डांटो, पर उसे कल भेज दो प्लीज। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पुलिस को हवाले कर, बोल दिया ना गलती से, आप मेरे को दे दो, आप एक काम करो, आपको बुरा लगा अब मुझे दे दो धमकी बदले में, अब उसे भेज दो बस। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वहाँ पे मदर इन लॉ को देख रही हूँ, आप समझो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना पति। आप हमको डांटे हैं? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो बात की, तो आप मुझे डांट लो ना बदले में, मैं कह तो रही हूँ मेरी गलती है, आप उसे भेज दो। लेकिन एक शर्त पे भेजेंगे। नहीं बोलो क्या शर्त है। रियलाइज हम कराना चाह रहे थे कि देखिए ना कितना ये काम करती हैं,
कि आदमी को आदमी पति घर ना आए तो चलता है, लेकिन ये ना आए तो नहीं चलता है। हमारा तो खुद होता है, हमसे तो शो नहीं हो पाता है अगर नहीं आए तो। एक दिन में शो गाने चलाने और मुर्गा बनाना कहाँ अकेले करेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आज मुर्गा बनाए ना, लेकिन मेड आती है तो सब हो जाता है। वो मेड फॉर ईच अदर है ना। तो नवेद बोल रहे हैं अभी, आपको सिर्फ मजाक की बहुत खराब, वेरी बैड। हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था मैं आपसे। हेलो 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 हेलो, तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, अगर पाँच मिनट आप मेरे को दे। प्रॉब्लम अगर जान दे, मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे। तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके यहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे, इसमें 2G का 3G जाता है, कभी कुछ जाता है, तो उसको बात कराओ आप, तो अपने ऊपर से किसी बंदे से बात कराओ, टॉप से बात करूंगा मैं। मिस्टर आनंद आप मेरे को अगर दो मिनट बताओ। तो टॉप है क्या, टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, टॉप से बात बताओ मैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद वेरी गुड इवनिंग, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को, आप मेरे को आपसे बात करूंगा। नहीं तो आप तो आप हो, आप तो आप कहीं से बताओ मेरे को, आपसे बात नहीं कर रही, कस्टमर केयर पे जाने नहीं मेरे को, इतना समझा के समझ में नहीं आ रहा, टॉप से बात कराओ। आप टॉप वालों में से कोई हो क्या, मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद वेरी गुड इवनिंग, मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर, आप मेरे को बता। मैं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को, मैं वो टॉप से बात करूंगा, मैं सबसे बोल रहा हूँ। मैं मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा, एक मौका आप मेरे को दी, मैं आप बताइए आप टॉप हो, टॉप हो आप, मैं टॉप वाले से बात कर रहा हूँ, टॉप से बात। मैं कॉल ट्रांसफर कर लूँ सर। Good evening, Mr. Anand. How can I help you? I'm the manager of this company, sir. अरे यार सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी कैसा है यार? मैं टॉप है कुछ नहीं तुम्हारी कंपनी में, और सीधे से मैनेजर के पास मैनेजर का कॉल लग जाएगा क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप टॉप के हो, आप टॉप हो आप, मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, टॉप है तू, टॉप है बता, टॉप है तू, मुझे बात करनी है टॉप से, बस टॉप पे ट्रांसफर कर। मैं कॉल ट्रांसफर करूँ सर। हाँ बोल मत आगे। प्यारे भाइयों बहनों, हेलो हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? गुड इवनिंग, वेलकम टू द व्हाइट हाउस, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द व्हाइट हाउस, हाउ मे आई हेल्प यू? कौन हो आप? दिस इज बराक। कौन सा बराक? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? Transfer call to top. I will talk to top. मैं समय हूँ, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ, उदय भी मैं हूँ, अस्त भी मैं हूँ, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? कौन? मैं समय हूँ। मैं चुप क्या हूँ? दिल।